लास्ट एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया लाइडा विलेज, जहां हमने एंजॉय की यहां की नेचुरल ब्यूटी, एक्साइटिंग ट्रैक्स और डिलीशियस हिमाचली कुजीन। आज सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद अब टाइम आ गया है यहां से विदा लेने का। आज मेरा इस ट्रिप का लास्ट डे है और आज शाम को ही मुझे दिल्ली के लिए वापस निकलना है। लेकिन उससे पहले तेजा भाई के साथ हम जाएंगे जलौड़ी पास, जो लाइडा से 30 किलोमीटर दूर लोकेटेड है, जहां से हम स्टार्ट करेंगे सिरोलसरा लेक तक 5 किलोमीटर का ट्रैक। जलौड़ी पास अराउंड 10,000 फीट ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है और बर्फ से ढके पहाड़ साफ इशारा कर रहे थे कि कुछ दिन पहले ही यहां स्नोफॉल भी हुई थी। रास्ते में कुछ पैचेस पर ब्लैक आइस की वजह से गाड़ी फर्स्ट गियर में ही रखनी पड़ रही थी, पर जब रास्ता ही इतना खूबसूरत हो तो जल्दी जाने की जरूरत भी क्या। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले मुझे जाना था 360 व्यू पॉइंट पर, लेकिन अचानक मौसम ने ऐसा संगीन रुख इख्तियार किया कि आज की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और अगले ही पल हल्की बारिश के साथ स्नोफॉल भी शुरू हो गई। मैंने यहीं बैठकर 2 घंटे मौसम बेहतर होने का इंतज़ार किया, जो कि इम्प्रूव होने के बजाय और भी ज़्यादा फॉगी हो गया और ना चाहते हुए यहां से वापसी का डिसीज़न लेना पड़ा।
अब दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमारे पास टाइम भी कम है, तो मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते बचा हुआ ये थोड़ा टाइम ऑन द वे तीर्थन वैली में ही बिताया जाए। पहाड़ी इलाकों में मौसम इस तरह बदलता है कि जलौड़ी में हो रही स्नोफॉल तीर्थन आते आते खिलखिलाती धूप में बदल गई। तीर्थन वैली यहाँ बह रही तीर्थन रिवर से जानी जाती है, जो कि एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है और यहाँ आपको होटल्स, कॉटेजेस और होम स्टेज के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने विजिट किया ये फिश फार्म, जो कि मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इस फार्म में लार्ज स्केल फिश फार्मिंग होती है और अगर आपको भी फिशिंग का एक्सपीरियंस लेना है तो आप यहाँ अथॉरिटीज़ की तरफ से प्रोफेशनली गाइडेड फिशिंग सेशन भी अवेल कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी ही डिस्टेंस पर लोकेटेड है हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा वेल मेंटेन्ड एजुकेशनल और पीसफुल ट्रैक है। पार्क कवर करते करते शाम के 5 बज गए और अब टाइम आ गया है वापस दिल्ली जाने का, जिसके लिए मैंने वॉल्वो बस का टिकट कल ही बुक कर दिया था, जो कि मुझे आउट मार्केट से पिक करेगी। आज हमने ऑन रोड अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स कवर किए, जिसके लिए मैंने पे किए 3,000 रुपीज़। जहाँ मुझे घर लौटने की खुशी थी, वहीं थोड़ा गम भी था इन खूबसूरत वादियों को छोड़कर जाने का। मेरे लिए ये लाइफ की पहली सोलो ट्रिप थी और सनी भाई, रितम भाई और तेजा भाई ने जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ मुझे गाइड किया, उससे मुझे यकीन हो गया कि इस सफर पर भले ही मैं अकेला निकला था, लेकिन इस पूरे सफर में मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ इस ट्रिप में मैंने काफ़ी कुछ देखा और सीखा, वहीं अनप्रेडिक्टेबल वेदर की वजह से
हम कुछ प्लान्स और डेस्टिनेशंस कवर नहीं कर पाए। यही सोचते सोचते मुझे याद आया अपने वालिद साहब का कहा हुआ ये शेर कि जिंदगी में कुछ अधूरापन भी होना चाहिए, जिंदगी में कुछ अधूरापन भी होना चाहिए, काम क्या रह जाएगा सब कुछ सवर जाने के बाद। और इसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में हम दिल्ली से वापस आएंगे हिमाचल और एक नए जोश के साथ कवर करेंगे कुछ और ऑफ बीट प्लेसेस। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू गो ऑफ बीट विद ऑफ बीट माइल्स।